नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। छठ पूजा का समापन आज, व्रती उगते छठ पूजा का समापन आज, व्रती उगते सूर्य को देंगे अर्घ्य, घाटों पर उमड़ेंगे श्रद्धालु। नीतीश सरकार एक्शन मोड में, संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों का ब्यौरा तलब, भवन निर्माण विभाग ने अभियंताओं को भेजा पत्र। अभी शिक्षा पोर्टल पर मध्यान्ह भोजन की रिपोर्ट, 15 नवंबर तक रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश, भोजन नहीं बनने के कारण भी बतानी होगी। जमुई में खुदाई के दौरान मिली 40 इंच की प्रतिमा मिलने से गांव में खुशी की लहर, गांव वाले बोले अवतरित हुई है छठी मैया। पंचतत्व में विलीन हुई बिहार कोकिला, राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को दी गई अंतिम संस्कार, मुखाग्नि देते समय फफक पड़े बेटे अंशुमान सिन्हा। इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का नया आदेश, सेमेस्टर परीक्षाएं अब होम सेंटर पर नहीं, सेमेस्टर परीक्षाएं अब अन्य जिलों में होंगी। भारत और साउथ अफ्रीका T20 इंटरनेशनल सीरीज आज से शुरू, भारत का लक्ष्य T20I में शानदार प्रदर्शन जारी रखना, दक्षिण अफ्रीका हिस्सा बराबर करने को तैयार। अब खबरें विस्तार से। आज उगते सूर्य को अर्घ देकर चार दिनों तक चले महापर्व छठ का समापन होगा। बीते दिन छठ घाटों पर भारी भीड़ देखी गई, जहां चारों ओर चहल पहल और छठ के गीतों के साथ पूजा का माहौल था। अब चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। व्रती वही एकत्रित होंगे जहां उन्होंने षष्ठी की संध्या में अर्घ दिया था। सूर्य उगने से पहले व्रती नदी, तालाब या कृत्रिम पोखर के जल में उतरकर तपस्या करेंगे और भगवान भास्कर का स्मरण करेंगे। जैसे ही सूर्योदय की लालिमा दिखेगी, व्रती सूर्य को अर्घ देंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद व्रती घर लौटेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे और व्रत का पारण करेंगे, जिससे इस चार दिन के महापर्व का समापन हो जाएगा। कुछ प्रमुख शहरों में सूर्योदय होने का समय इस प्रकार है। भागलपुर में 6:14, दरभंगा में 6:18, मुजफ्फरपुर में 6:20, पटना में 6:21 और बक्सर में 6:26 है। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। IDBI बैंक ने 2024 के लिए एग्जीक्यूटिव सेल्स और ऑपरेशन के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया बीते 7 नवंबर से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2024 है। IDBI एग्जीक्यूटिव भर्ती 2024 में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है। उम्मीदवारों को कंप्यूटर IT का ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तक होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट IDBI bank.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी आवास एक अड़े मार्ग में भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर अपने परिवार के सदस्य के साथ छठ पर्व की पूजा रचना की और राज्यवासियों की सुख शांति और समृद्धि के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की। इस पारिवारिक आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये पर्व अनुशासन का प्रतीक है और वे सूर्य देव से राज्य की प्रगति और समृद्धि की कामना करते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री के आवास पर ही छठ पूजा का आयोजन किया जाता रहा है। बीते दिन बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में बिहार कोकिला का गाया हुआ गाना आखिरी छठ गीत भी बजा। शारदा सिन्हा को पटना के गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बेटे अंशुमान सिन्हा अपनी माँ को मुखाग्नि देते समय फफक उठे, इस दौरान सभी की आंखें नम थी। सीएम नीतीश कुमार ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान घाट पर कई बड़े नेता और प्रख्यात हस्तियां भी मौजूद थी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजगीर में स्थित प्रसिद्ध नेचर सफारी और जू सफारी 2 दिनों के लिए 7 और 8 को बंद किया गया था। यानी आज भी राजगीर में स्थित प्रसिद्ध नेचर सफारी और जू सफारी पर्यटकों के लिए बंद रहेगी। वन विभाग और जू प्रशासन द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार इन दोनों पर्यटन स्थलों को प्रशासनिक कारणों से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। राजगीर की जू सफारी, जो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवों के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है, और नेचर सफारी, जिसमें साहसिक गतिविधियों का अनुभव लिया जा सकता है, आज
ये दोनों पर्यटकों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। छठ पर्व के दौरान इलाके में शांति और व्यवस्था बनी रहे इसके लिए बंद किया गया है। इसके अगले दिन यानी कि 9 नवंबर को पर्यटकों के लिए ये खुला रहेगा। भवन निर्माण विभाग ने प्रशासनधीन संविदा और बाह्य स्रोत से नियुक्त कर्मियों के आंकड़े तलब किए हैं। भवन निर्माण विभाग के उप सचिव शिवरंजन ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को पत्र भेजा है, जिसमें उनसे 2005 से लेकर अब तक नियुक्त संविदा और बाह्य स्रोत से नियुक्त कर्मियों का ब्यौरा तलब किया गया है। ये जानकारी विभाग को 3 दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से और 13 नवंबर तक भौतिक रूप से उपलब्ध करानी होगी। विभाग ने इसके लिए खास फॉर्मेट जारी किया है, जिसमें अनारक्षित और आरक्षित श्रेणियों के कर्मियों की अलग अलग जानकारी देने की बात कही गई। मिड डे मील योजना के तहत अब बच्चों की उपस्थिति और भोजन की स्थिति की रिपोर्ट जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल से प्राप्त की जाएंगी। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक पोर्टल पर जानकारी देंगे कि कितने बच्चों ने भोजन खाया। इस संबंध में योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को 15 नवम्बर तक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। पहले मोबाइल के जरिए रिपोर्ट भेजी जाती थी, लेकिन अब पूरी जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। प्रधानाध्यापकों को ये भी बताना होगा कि यदि किसी स्कूल में भोजन तैयार नहीं हुआ तो उसके कारण क्या थे। बिहार राज्य 2047 तक अपने आप को एक विकसित राज्य बनाने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, जो अगले 20 सालों तक बिहार के विकास की पूरी दिशा और दशा तय करेगा। बता दें कि योजना और विकास विभाग को इस डॉक्यूमेंट का नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग ने सभी अन्य विभागों से उनकी योजनाओं की मांग कर दी है। ये डॉक्यूमेंट बिहार के विकास का रोडमैप होगा। इसके अलावा नीति आयोग ने भी बिहार से भविष्य की योजनाओं की मांग की है, ताकि विकसित भारत 2047 की योजनाओं में बिहार को भी मुख्य धारा में लाया जा सके। कई बार ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से चालान काट देती है। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेंट्रल दिल्ली के टोडापुर में ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर में मौजूद नोटिस ब्रांच के दफ्तर में शिकायत कर सकते हैं। आप खुद जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मेल के जरिए भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि वहाँ भी आपको उचित समाधान नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट में अपील करने का भी अधिकार रखते हैं। यदि आपकी अपील सही पाई जाती है तो अदालत उस चालान को खारिज भी कर सकती है। इसके अलावा दिल्ली में हर 3 महीने में एक बार लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें हर तरह के पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाता है। राजगीर में होने वाली विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी सुनील कुमार सिंह के अनुसार खेल परिसर और शहरी क्षेत्रों में 250 से अधिक निगरानी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनमें 100 खेल परिसर में और 150 शहरी क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा ड्रोन कैमरों से भी भीड़ की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 17 डीएसपी, 50 पुलिस निरीक्षक, 150 पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक, 6 बिहार पुलिस कंपनियां, 2 मिलिट्री पुलिस कंपनियां और 100 यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पुलिस गश्त को भी बढ़ा दिया गया। बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब से सभी सेमेस्टर परीक्षाएं छात्रों को अपने जिले से बाहर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे, ना कि होम सेंटर पर। पहले छात्रों की मांग थी कि परीक्षाएं उनके होम सेंटर पर आयोजित हो, लेकिन विश्वविद्यालय ने यह निर्णय पिछली बैठक में विचार विमर्श के बाद लिया है। इसके साथ ही MIT सहित सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों को नई गाइडलाइनों के तहत निर्देश भी जारी कर दिए गए। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीकरण की आखिरी तिथि 10 नवंबर 2024 है। MCA ने घोषणा करते हुए युवाओं को इसमें भाग लेने की अपील की है। इस योजना में 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा पात्र हैं, जिनके पास 10वीं 12वीं ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री हो। इस योजना के तहत कुल 1.28 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। इस योजना में शामिल होने वाले युवाओं को 5,000 का मासिक भत्ता और 6,000 का एकमुश्त अनुदान मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार PM internship.MCA.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
पूर्व मध्य रेलवे ने छठ महापर्व के बाद पटना से नई दिल्ली और नई दिल्ली से पटना के बीच दो जोड़ी अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का फैसला किया है। 9 और 11 नवंबर को पटना से नई दिल्ली के बीच गाड़ी संख्या 03329 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। ये ट्रेन दोपहर 2:05 पर पटना से रवाना होकर दानापुर, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए अगले दिन सुबह 8 नई दिल्ली पहुंचेंगे। इसके अलावा एक और गाड़ी संख्या 03330 नई दिल्ली से पटना के बीच 10 और 12 नवंबर को सुबह 9:30 रवाना होगी। ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा और दानापुर होते हुए अगले दिन 2:20 पर पटना पहुँचेगी। इधर जमुई सदर के कुंदरी पंचायत के चंदवारा गांव में छठ पूजा के पवित्र अवसर पर छठ घाट बनाने के लिए पोखर की खुदाई के दौरान एक प्रतिमा मिली। मूर्ति की लंबाई मात्र 40 इंच है। ये प्रतिमा काली स्थान के पास स्थित पोखर से निकली। गांव वाले इसे छठ मैया की प्रतिमा बता रहे हैं। सूचना मिलते ही गांव के लोग उमड़ पड़े और बड़ी श्रद्धा से प्रतिमा की पूजा अर्चना शुरू कर दी। ग्रामीणों का मानना है कि ये घटना गांव के लिए एक शुभ संकेत है और जल्द ही इस स्थान पर एक मंदिर निर्माण की योजना बन सकती है। उनके अनुसार छठ पर्व के दौरान प्रतिमा मिलना इस गाँव के लिए बड़े आशीर्वाद से कम नहीं। लैपटॉप की बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या से बचने के लिए कुछ आसान तरीके आप अपना सकते हैं। अपने लैपटॉप को आप पावर एफिशिएंसी मोड पर रखें। अपने लैपटॉप को हमेशा एनर्जी सेविंग मोड में रखें। जब लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो स्क्रीन को ऑटोमेटिकली ऑफ करने और हाइबरनेशन मोड पर रखें। लैपटॉप की स्क्रीन ऑटो ब्राइटनेस पर सेट करें। लैपटॉप की सेटिंग में जाकर क्लोज लीड टू स्लीप को एक्टिवेट कर दें। इससे जब भी आप लैपटॉप की लीड को बंद करेंगे तो लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाएगा। इससे बैटरी कम खर्च होगी। इन आसान टिप्स अपनाकर आप अपनी लैपटॉप की बैटरी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज 8 नवंबर को बिहार के सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज से न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट देखी जाएगी। इसके बाद से लोग ठंड महसूस करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पिछले साल की तुलना में इस साल नवंबर माह की शुरुआत में ज़्यादा गर्मी है। पिछले साल नवंबर में राज्य के ज़्यादातर जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया था, लेकिन इस साल न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। वहीं प्रदूषण के मामले में दिल्ली से भी ज़्यादा खराब हाजीपुर की हवा हो गई। आरा जिले के चौरी थाना क्षेत्र के अंधारी गांव में बीते दिन 5 सोन नदी में डूब गए। इस हादसे में दो बच्चियों की मौत हो गई जबकि एक अन्य बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। घटना के अनुसार अंधारी निवासी बबन सोनी के घर छठ पूजा के सिलसिले में उनके साले इमादपुर निवासी सूरज सोनी और रविंद्र सोनी का परिवार आया हुआ था। कई बच्चे सोन नदी में नहाने चले जाते हैं। इस दौरान एक बच्चा गोलू कुमार डूबने लगता है और उसे बचाने के लिए पांचों बच्चे एक एक करके नदी में कूद पड़ते हैं, जिनमें दो की मौत हो गई। वहीं दो को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है और अभी एक बच्चे की तलाश जारी है। बिहार के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विश्वविद्यालय ने 12 नए पाठ्यक्रमों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को आवश्यक राशि जमा कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 20 दिनों में इन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति मिल जाएगी। NOU के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि ये कदम छात्रों के लिए नए अवसरों को खोलने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि पहले विश्वविद्यालय में केवल 15 PG पाठ्यक्रमों में नामांकन की स्वीकृति थी, लेकिन अब छात्रों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। प्रोफेसर संजय कुमार के अनुसार उम्मीद है कि अगले 20 दिनों में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। पुणे के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से एक बार फिर धमकी मिली है। सांसद के दिल्ली स्थित ऑफिस में धमकी भरे मैसेज आया। पप्पू यादव के PA को ये धमकी भरा मैसेज आया, जिसके बाद PA मोहम्मद सादिक आलम ने दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस को दिए गए आवेदन में मोहम्मद सादिक ने बताया कि मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज और कॉल आया और कहा गया कि सांसद को जान से मार देंगे। व्हाट्सएप DP पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का फोटो लगा रखा है। बता दें कि इससे पहले भी सांसद को कई अन्य नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिली।
लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी उपचुनाव के लिए अपनी रणनीतियों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बिहार के चारों सीटों पर एनडीए की जीत तय है और झारखंड में भी एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग पासवान शुक्रवार और शनिवार को बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि 10 से 11 नवंबर को झारखंड में प्रचार करने का उनका कार्यक्रम है। उनका ये भी कहना है कि इन चुनाव के परिणाम पूरी तरह से एकतरफा होंगे और एनडीए के पक्ष में होंगे। इधर पटना में आज एक पोस्टर ने सियासी हलचल मचा दी है, जिसमें विपक्षी नेता बता दें कि इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने की अपील की गई है। यह पोस्टर राजद के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार द्वारा लगाया गया है, जिसमें तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी गई है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने इस पोस्टर पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ पोस्टर लगा देने से और टोपी पर लिखवाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री बनने का काम राज्य की जनता करती है, ना कि किसी नियुक्ति से होती है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बहुप्रतीक्षित चार मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज 8 नवंबर 2024 यानी कि आज से शुरू होने जा रही है। इस सीरीज के बाद 10, 13 और 15 नवंबर को भी मैच खेले जाएंगे और इस बार दोनों टीमें फिर से एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। भारत का लक्ष्य T20 इंटरनेशनल में अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखना है, जबकि साउथ अफ्रीका इस बार हिसाब बराबर करना चाहेगा। बात करें दोनों टीमों के बीच T20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की, तो अब तक कुल 27 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 15 और दक्षिण अफ्रीका ने 11 मैचों में जीत हासिल की है। इस सीरीज में भारत एक नए रूप में दिखेगा, क्योंकि मुख्य कोच BVS लक्ष्मण के नेतृत्व में भारतीय टीम ने हाल ही में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1998 में बांग्लादेश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में 15 लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी। आज के दिन सन 1999 में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रनों की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। आज के दिन सन 2005 में भारत ने फिलिस्तानी संगठनों की आतंकवादी कार्रवाई और इसराइल की दमन की आलोचना की थी। आज के दिन सन 2000 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। आज के दिन सन 1929 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ। चलिए जानते हैं कितनी तरह की होती है SIP और आपको किस में करना चाहिए निवेश। बता दें कि 5 तरह के SIP होते हैं। रेगुलर SIP को काफ़ी पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें निवेश करने की रकम, तारीख और अवधि पहले से तय होती है। किस दिन SIP का पैसा जाएगा, ये तारीख चुनने का आपके पास विकल्प होता है। स्टेप अप SIP, इसमें निवेशक अपनी SIP राशि को समय समय पर बढ़ा सकते हैं, जैसे हर साल में 5% या 10%। फ्लेक्सिबल SIP, इसमें निवेशक अपनी SIP राशि को बढ़ा या घटा सकते हैं, जो उनकी आय और खर्चों के अनुसार होता है। ट्रिगर SIP, ये SIP तब एक्टिव होती है जब निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, जैसे बाजार की वैल्यूएशन या NAV। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 836 अंकों की गिरावट के साथ 79,541.79 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी भारी गिरावट देखने को मिली और ये 284.70 अंकों की गिरावट के साथ 24,199.35 पर आ गया। इस गिरावट की मुख्य वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर निर्णय से पहले निवेशकों की बढ़ती सतर्कता को बताया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रिद्धिमान साहा, ऑप्शन बी है उमेश यादव, ऑप्शन सी है चेतेश्वर पुजारा और ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। इसका सही उत्तर होगा रिद्धिमान साहा। हाल ही में प्रथम एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है हिसार, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1989 और ऑप्शन डी है 1992। इसका सही उत्तर होगा 1980।
बिहार के जहानाबाद में जेल लूट की घटना कब घटी थी? ऑप्शन ए है 13 नवंबर 2005, ऑप्शन बी है 13 सितंबर 2005, ऑप्शन सी है 13 दिसंबर 2005, ऑप्शन डी है 13 जनवरी 2006। इसका सही उत्तर होगा 13 नवंबर 2005। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू गोलू कुमार, परमिला कुमारी, कृष्णा प्रसाद, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, रोहित कुमार मंडल, मोती लाल कुमार, वंदना कुमारी, विनय राज, भरत प्रसाद, गुनर शर्मा, रंजीत मिश्रा, दिलखुश, राजीव कुमार, प्रिंस कुमार, नवल किशोर झा, सूरज राज, विजेंद्र सिंह, अनवर करीम खान, राम बाबूदास, उमेश ऋषिदेव, निराला कुमार, संजय कुमार शर्मा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके लिए इस साल का छठ पर्व कैसा रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज देखते रहिए, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।